हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिछले 5 वर्षों की जो भर्तियां हुई है उनके डीवी के बारे में। यानी कि दोस्तों, हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है और दोस्तों ये उसमें ये बताया गया है कि जो पिछले 5 सालों में जो भर्तियाँ हुई है उनका जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है वो वापस से होगा। दोस्तों, वो क्यों होगा वो आपको भी पता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो फर्जीवाड़ा है वो पकड़ा गया था, उस वजह से यहाँ पर जो SOG है उसने एक कार्मिक विभाग को एक जो लेटर है वो दिया है कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वापस से करवाया जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर RPSC और RMSSB और इसके भी अलावा कई सारी भर्तियाँ हुई है, तो उन सभी का DV वापस यहाँ पर होगा। तो दोस्तों, कौन कौन सी भर्तियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस से होने वाला है, इस जानकारी के लिए आपको इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहना है। और साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी वो भर्तियां हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहां पर एक अखबार की कटिंग है और दोस्तों यह आज ही की कटिंग है। और दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पिछले 5 साल की जो 2.40 लाख पदों पर जो भर्तियां हुई थी उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर होगा। और दोस्तों, ये जो बात है वो सच है। इसके लिए जो SOG है उसने जो राजस्थान सरकार है उसको एक पत्र लिख दिया है और उस पत्र की अनुपालना में जो कार्मिक विभाग है उसने सभी विभागों को जो लेटर है वो जारी कर दिया है कि आप इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वापस से करवाएं। और दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ हैं। इसमें मैं बता दूं दोस्तों, 2019 से लेकर 2023 की जो सारी भर्तियाँ हैं राजस्थान की, उन सभी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें 5 भर्ती परीक्षाएँ हो चुकी है और कुछ भर्ती परीक्षाएँ अभी चल रही है, तो उनका तो DV भी अब होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें देख सकते हो कि पिछले 5 साल में कौन कौन सी बड़ी भर्तियाँ हुई है, जैसे 5,546 पदों पर PTI की भर्ती हुई थी, 10,000 कंप्यूटर अनुदेशकों की, 9,760 वरिष्ठ अध्यापक और 3,000 जो CET स्नातक स्तर की जो भर्तियां वो हुई थी, और इसके अलावा 6,000 जो स्कूल के जो व्याख्याता है उनकी भर्ती है, 460 जो लाइब्रेरियन है उनकी भर्ती, 3,531 CHO की भर्ती। तो दोस्तों, इन सभी को मिला करके यहाँ पर जो 2.40 लाख जो पदों की भर्तियाँ वो बन रही है। इसके अलावा कुछ भर्तियाँ अभी जो चल रही है वो भी इसी में शामिल है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछले 5 साल में जो पेपर लीक प्रकरण हुए थे उनकी वजह से ही इन सभी भर्तियों का यहाँ पर जो DV है वो वापस से करवाया जाएगा। दोस्तों, ये 100% होगा, आप इस बात को मानकर चले, क्योंकि यहाँ पर SOG ने सरकार को पत्र लिखा है और उसके लिए जो कार्मिक विभाग है उसने यहाँ पर उनको लेटर भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, देख सकते हो कि ये अलग अलग वर्षों के दौरान के अलग अलग खाली पद थे और इन पर यहाँ पर जो DV है वो वापस से होगा। और दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो परेश देशमुख है DIG SOG के, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि 5 साल में हुई भर्तियों में दोबारा से जो DV है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराया जाए। जिसमें दोस्तों, यहाँ पर जो SOG है उसने अब तक 30 FIR कर ली है फर्जीवाड़े की, और दोस्तों लगभग 24 FIR ऐसी है जिसमें फर्जी डमी कैंडिडेट को बिठाकर एग्जाम दिलवाया गया था। तो दोस्तों, ये सारी फर्जीवाड़े यहाँ पर पकड़े गए हैं अभी, और अभी और कई सारे ऐसे पकड़े जाएंगे, ये यहाँ पर SOG का कहना है। और SOG ने यहाँ पर सरकार को पत्र लिख दिया है। तो दोस्तों, ये जो कटिंग है वह आप खुद भी देख सकते हो, आज ही के अखबार में प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो राजस्थान की जितनी भी सरकारी नौकरी की भर्तियाँ हैं उन सभी की पल पल की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।